हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। बजे हैं सुबह के 7:30 और इस समय हमारी पूरी फैमिली साथ में है और हम लोग का प्लान काफ़ी पहले से बना था, तो इलाहाबाद से हम बनारस से निकले हैं और वडोदरा पहुंचे रात को, और अब सुबह हम लोग निकल रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। अब डायरेक्टली हम लोग मिलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, तो वहीं पर मुलाकात होती है। तब तक लिए बाय। हेलो गाइज, ये यहाँ का पार्किंग एरिया और यहाँ अपनी कार पार्क करनी है आपको। उसके बाद यहाँ यूनिटी की बस आएगी, आपको रिसीव करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक वो आपको ड्रॉप करेगी। तो लाइन बहुत लंबी है लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, नंबर बहुत इजी आ जाता है क्योंकि बसेस यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग का मजा लीजिए। तो मिलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास और ये हमारे दोनों छोटे मोटे भाई छोटू, और अभी हम जस्ट पहुंचे हैं और अभी हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। तो हमारी पूरी फैमिली वो सामने खड़ी हुई है, तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। तब तक के लिए बाय। से बाय बाय अरमान। बाय 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 बाय। मेरे कदम जैसे जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ बढ़ रहे थे, मेरा एक्साइटमेंट डबल होता जा रहा था, क्योंकि मैं जब निकला था तो ये सोच के निकला दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति देखने मैं जा रहा हूँ। तो मेरा फोकस यही था कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति दिखती कैसी है, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ हमने सुनी थी कि मेरा एक्साइटमेंट वैसे ही डबल हो चुका था। तो आप ब्लॉग बने रहे हैं, लास्ट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं यहाँ कैसे आया, मैंने कहाँ से टिकट्स की क्या कॉस्ट है, एवरीथिंग। तो ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग का मजा लें, और मैं आपको यहाँ का म्यूजियम भी दिखाऊंगा, म्यूजियम काफी अच्छा है यहाँ का। तो ब्लॉग में बने रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। ये है यहाँ का म्यूजियम एरिया, और एंटर होते ही आपको मिल जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, कि सिर्फ गर्दन है यहाँ पे, और पीछे उनकी मूर्ति भी मिल जाएगी आपको, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। ब्लॉग में बने रहें मेरे साथ और ब्लॉग का मजा लें। ये है यहाँ का लिफ्ट एरिया जो डायरेक्टली पहुँचाता है आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर, यानी कि सीधा आप उसकी उनकी चेस्ट पे पहुँच जाएंगे और वो चेस्ट से ये नज़ारा आपको दिखता है, जो ये जाली लगाई गई है
जिससे आप नज़दीक नहीं जा सकते हैं, बाउंड्री की गई है, लेकिन आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। नर्मदा डैम आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखेगा और यहाँ के नज़ारे वाकई बहुत अच्छे लगेंगे आपको देखने के बाद। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था यहाँ इनके चेस्ट के ऊपर आके देखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। 182 मीटर की मूर्ति के ऊपर से देखने का नज़ारा ही कुछ अलग था। और दूसरा, कान बजने लगे हम लोगों के ऊपर आने के बाद। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो यहां पर आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो उस पर आप इसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आप यहां पर आ सकते हैं। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।